पैसा आज के टाइम में देश का सारा कारोबार इसी पर टिका हुआ है और दुनिया में हर इंसान पैसे के पीछे ही भाग रहा है। आगे का तो पता नहीं, लेकिन आज की सच्चाई तो यही है कि आम से दिखने वाले नोटों की मार्केट में वैल्यू काफी ज्यादा होती है। पैसे की सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि इसे कमाना ही पड़ता है। हम इसे छाप नहीं सकते, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसलिए इन्हें जिस तरह से बनाया जाता है वो तरीका अपने आप में ही बहुत खास होता है। दोस्तों, किसी भी देश की करेंसी पर उस देश की सरकार का एक प्रॉमिस होता है और उसके ऊपर उस देश के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, जिसका मतलब ये है कि नोट उतनी कीमत की अहमियत रखता है जितनी उसके ऊपर लिखी गई है। साथ में आज के नोटों में कई सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं, जिससे नकली और असली का पता लगाया जा सकता है। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये पैसा बनता कैसे है, किस तरह के पेपर का इस्तेमाल होता है और कौन सा असली है और कौन सा नकली, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? आज आपको इस वीडियो में इन सब चीजों का जवाब मिलेगा, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। ज्ञानसम की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। कहते हैं कि भारत में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द रुपया एक समय दिल्ली पर राज करने वाले रूलर शेरशाह सूरी ने दिया था। इसके साथ ही हमारे देश में सबसे पहला वाटरमार्क वाला नोट साल 1861 में छापा गया था। भारत में इन नोटों को बनाने के पीछे एक लंबी प्रोसेस होती है, जिसके लिए हम आपको आज नोट छापने वाली फैक्ट्री में लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर इन नोटों को छापने में कितना खर्चा आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े नोट की। इस खूबसूरत से गुलाबी रंग के 2000 के नोट को छापने में लगभग 4 रुपए का खर्च आता है। वहीं 500 के इस हरे भरे से नोट को छापने में तकरीबन 2 रुपए 65 पैसे का खर्च आता है। अब आप ये सोचो कि इतने कम पैसों में छपने वाले ये नोट आखिर इतनी वैल्यू के कैसे होते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। जहां 200 रुपए के नोट को छापने पर लगभग 2 रुपए 48 पैसे का खर्च आता है, वहीं 100 रुपए के नोट पर लगभग 1 रुपए 51 पैसे का खर्च आता है। जहां 50 रुपए के नोट के लिए 1 रुपए 22 पैसे लगभग खर्च करने पड़ते हैं, वहीं पे 10 और 20 रुपए के लिए औसतन 1 रुपए का खर्चा आता है। अब बात आती है कि ये नोट कहाँ और कैसे छपते हैं। दोस्तों, नोट छापने का काम इतना सिक्योर और प्राइवेट रखा जाता है कि इसकी खबर बहुत ही कम लोगों के सामने आ पाती है। फिलहाल भारत में नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के पास है, जिसे बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है, और इसे सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छापा जाता है। देश भर में अभी 4 प्रिंटिंग प्रेस मौजूद हैं जहाँ पर नोटों की छपाई होती है। चारों प्रिंटिंग प्रेस नासिक, देवास, सालबोनी और मैसूर में है। यही वो 4 जगह है जहाँ एक खास तरह के कागज पर स्विट्जरलैंड की कंपनी के द्वारा बनाई गई इंक की मदद से नोटों की छपाई होती है। आपको बता दें कि पैसों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पेपर घर में इस्तेमाल होने वाले मैगजीन, न्यूज़पेपर और बुक्स के पेपर से बिल्कुल अलग होता है। इस पेपर को विदेशों से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि ये एक खास तरह का कागज होता है जो भारत में ज्यादा नहीं बनता। प्रिंटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले पेपर को बनाने के लिए 75% कॉटन और 25% लाइनन को मिलाया जाता है। अब इन कॉटन और लाइनन के बड़े बड़े बंडल्स को फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन्हें एक बड़ी मशीन के जरिए आपस में अच्छे से मिक्स किया जाता है। सूखे हुए मिक्सर को अब एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जो इस मिक्सर को बड़े बड़े थिन शीट्स में बदल देती है। अब इन थिन शीट्स को फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां सबसे पहले ये पट्टी लगाई जाती है, जिसे देखकर ही लोग अक्सर ये पता करते हैं कि नोट असली है या नकली। उसके बाद आर्टवर्क, ग्राफिक डिजाइन और सभी सिक्योरिटी फीचर्स को मिलाकर एक परफेक्ट नोट का डिजाइन इसी स्टेज में बनाया जाता है। इसके बाद अलग अलग इंक का इस्तेमाल करके नोट को छापा जाता है। इसमें अलग अलग इंक का इस्तेमाल अलग अलग उपयोग में करा जाता है। नोट को छापने के लिए 3 इंक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आती है इंटाग्लियो इंक, जिसका इस्तेमाल गांधी जी की वो मुस्कुराती हुई तस्वीर को बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आती है फ्लोरोसेंट इंक, जिससे नोटों पे वो यूनिक नंबर छापे जाते हैं, जिसकी मदद से नोटों को ट्रैक भी किया जाता है। तीसरी और आखिरी इंक है ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, जिससे नोट को और ऑथेंटिक बनाया जाता है। इसे कलर शिफ्टिंग इंक भी कहा जाता है। इस इंक से नोट में लिखे हुए अक्षर अपना रंग बदलते हैं। जब हम नोट को सीधा रखते हैं तो ये 500 का लिखा हुआ हरा दिखाई देता है, और जब हम उसे एक एंगल पे पकड़ते हैं तो वो नीले रंग का हो जाता है।
नोट प्रिंट होने के बाद एक आधुनिक मशीन की मदद से इन नोटों को एक साइज में काटा जाता है और फिर इनको गड्डियों में पैक करके रिजर्व बैंक के अलग अलग ऑफिस में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज भी देश में नोटों की छपाई को लेकर किसी के पास भी पूरी जानकारी नहीं है, और अगर हो भी जाती है तो वो भी किसी काम की नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक कुछ दिनों में ही अपने पूरे प्रिंटिंग प्रोसेस को चेंज करता रहता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको असली और नकली नोटों के बीच का अंतर और नोट कैसे छपते हैं ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।